बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ये रशियन सैलड बनाने लगी हूँ। ये पिस्ता है, काजू है, शुगर है 2 चम्मच, एप्पल मैंने काट लिए हैं, बनाना भी काट लिए हैं, और ये खजूर है, गाजर है, मैंने सारी चीज़ें काट ली हैं और बस इनको मिक्स करना है। और ये सौंगी है, ये ग्रेप्स, ये पोटैटो मैंने काट के रखे हुए हैं, कैबेज है, और उसके अंदर ये क्रीम 1 प्याली है, और दही और मायनेज़ है, और काली मिर्च 1 टीस्पून डालनी है, और नमक भी 1 टीस्पून या 1/2 टीस्पून डालनी है, जितना आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक। मैं इन चीज़ों को ना मिक्स करती हूँ। ये मैं दही और क्रीम और मायनेज को ना जरा मिक्स कर लूँ, फिर इसमें बाकी चीज़ें सारी मिक्स करनी है। 1/2 प्याली मायनेज डालनी है इसके अंदर। तीनों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना। ये चीनी भी इसके अंदर ही डालनी है 1 चम्मच, 1/2 टीस्पून ये ब्लैक पेपर है, 1/2 टीस्पून नमक है, इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। बाद में ये सारे फ्रूट मिक्स करने हैं। सारे फ्रूट्स को पोटैटो ये बनाना बंद गोभी ये गाजर खजूर और मेवे सौंगी डाली है इसके अंदर। सारी चीजों को मिक्स करना और इसके ऊपर वो सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी हैं। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। रशियन सैलड तैयार है, बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी बनती है इस तरह। इसमें मिक्स करके तब डिश आउट करते हैं। ये बहुत अच्छी और बहुत मज़ेदार रशियन सैलड तैयार हो गई है। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें, बहुत अच्छी बननी है और हेल्दी फूड है ये भी। सारे फ्रूट्स और नट्स वगैरह इसमें डाल लें। अगर आप लोगों को ये पसंद आए रेसिपी,
इसको लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स।